चिल करो यहाँ पे, जंगलों में घूमो। तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी दूर उनके रूम है तो यहाँ हमाम है, तो इतनी दूर पैदल चल के हमाम नहाने आते थे तो बहुत ही हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये टिकट काउंटर के सामने हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं यहाँ पे पुराने किले में दिल्ली में, और जो कि पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे पांडव जो थे वो उनका ये महल था। तो ये 2500 साल पुरानी जो किला है ये, कि मेरा पहले विजिट है यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना खुला एरिया, हर तरह हरियाली और बड़े बड़े पार्क हैं और स्ट्रक्चर्स हैं पुराने जो मेंटेन करके रखे हुए हैं, और बहुत सुंदर है। और यहाँ पे अंदर आइए और देखिए नज़ारा, चाहो तो ग्रीनरी, ये स्ट्रक्चर है, म्यूज़ियम है यहाँ पे, और लेक बोटिंग है यहाँ पे, लेक है बहुत सुंदर पहाड़ी के साथ साथ में। और बाहर से नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा होगा अंदर कम्प्लेक्स, मैं हैरान हो गया हूँ यहाँ पे देखे कि बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है के अंदर। तो आओ देखते हैं आगे। ये है इसकी पुराना किले की एंट्रेंस, जो कि पांडवों का महल था इस समय पे। और ये है, यहाँ से इस साइड से आप टिकट्स लेते हो, और यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है। तो आइए चलते हैं किले के अंदर। ये इसका दरवाज़ा है इस तरह का। ये देखिए छत इसकी इस तरह की राउंड हुआ करती थी, और इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई लेंटर नहीं है, ये पत्थर जुड़े हैं बस आपस में, और ये टिकी हुई है छत अभी तक। किले खूना मॉस्क है इधर राइट साइड में, और शेर मंडल है, और एग्जिबिट रिमेन्स है। ये चीज़ें जो है, ये म्यूज़ियम है। हुमायूं दरवाज़ा है सामने, और तलाकी दरवाज़ा ये लेफ्ट साइड में है। तो ये मैप है, और यहाँ पे आप देखो, ये लेफ्ट साइड में जो है तलाकी दरवाज़ा है, और राइट साइड में हुमायूं दरवाज़ा। तो हुमायूं दरवाज़ा टिकट घर। ये है हुमायूं दरवाज़ा। तो यहाँ से ये कुछ सीढ़ियाँ यूँ करके नीचे को जा रही हैं, और इधर से भी कुछ एक स्लोप बना हुआ है। ये देखो, ये दरवाजे बने हैं, के ऊपर फिर एक दरवाज़ा है, उसके ऊपर फिर तीसरा दरवाज़ा है, और उसके ऊपर दो मीनार बने हुए हैं। ये है हुमायूं दरवाज़ा। तो चलते हैं थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, सीढ़ियाँ हैं इसमें नीचे जाने की। ये इस तरह का नज़ारा है। आले हुआ करते थे, इसके अंदर दिए जलाते थे लोग। ये पत्थर जो है, ये पूरा पुराना स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, जो कि पांडवों के टाइम पे हुआ करता था। ऊपर छतें उसी टाइप की हैं, जो गोल गुम्बद बने हुए हैं, और इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, ये फिर भी वैसे ही टिकी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं। ये मेरे पीछे हुमायूं दरवाज़ा, और अब चलते हैं दूसरी तरफ। कुछ एक जेल टाइप का मुझे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है जो बना है, ये किला है, जो जंगल है पूरा, इसमें लॉक अभी लगा हुआ है। और इसके अंदर देखते हैं अंदर क्या है। ये लंबी सी एक सुरंग है, और उसके आगे एक छोटी सी खिड़की है। यह है जेल। तो जेल से अब आगे चलते हैं। खाने पीने को अंदर आप सामान लेकर आ सकते हो। तो ये एडवेंचरस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह के रास्ते भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पुराने किले के अंदर। तो कुल मिला के भाई साहब टोटल चिल वाली जगह है, यहाँ पे आ सकते हो और चिल करो यहाँ पे, जंगलों में घूमो। चलो, इस तरह के जंगल हैं चारों तरफ, और चल मारो। ये देखिए, ये इस तरह प्रकार की जो ईंटें हैं, कंस्ट्रक्शन है, वो होता था आज से 2500 साल पहले। इस तरह की ईंटें हैं, ये लगी हुई हैं किसी चूने के साथ में, ये लगी हुई हैं ये सारी ईंटें।
मेरे पीछे है ये जो पुराना जो ईंटें थी, पुराने टाइम का स्ट्रक्चर था वो इधर आप देख सकते हो पीछे। और अब ये आगे जो है ये हमाम है, स्नानघर इसको बोला जाता है, तो पहले इसको हमाम बोलते थे। तो ये 3.2 मीटर वर्ग का कमरे में बना हुआ है चारों तरफ। तो ये मेरे सामने है हमाम, तो अभी मैं दिखाता हूँ। और ये है हमाम, पांडव हैं जहाँ यहाँ पे स्नान किया करते थे इसके अंदर। तो ये 2-स्टोरी बिल्डिंग है, हालांकि मुझे एंट्री इसकी मिल नहीं पा रही है कि एंट्री इसकी किधर से है। तो ना तो बेसमेंट में कोई एंट्री है, ऊपर भी दरवाजे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये इधर एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है, फाइनली इसकी हमाम की एंट्री मिल गई है। तो ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, तो इसके अंदर अभी बंद है तो अंदर जा नहीं सकते। तो ये है हमाम, बहुत सुंदर लग रहा है, और नाली है सर्दी में। अब आगे चलते हैं, हमाम देख लिया है ये किया हमने, और अब आगे चलेंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। और ये है बावली, यहाँ पे भी आपको बता दूँ दिल्ली में ना काफ़ी सारी बावलियाँ हैं, तो उनमें से ये कि ये पुराने किले में भी एक बावली है इस तरह की, लेकिन ये बंद है, पानी इकट्ठा है उधर नीचे। तो ये इस तरह की काफ़ी गहरी बावली है, ये इस तरह की सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे को, तो एंड में जाके वो देखो पानी इकट्ठा है। तो ये अगरसैन की बावली है, अभी एक ये वाली बावली है। तो जितने किले होते थे बेसिकली वहाँ पर हर जगह बावली बनाते थे ताकि वो पानी स्टोर करके रख सकें। ये भी कितने मोटे मोटे बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे पहले, तो ये लकड़ी का है बना हुआ। और देखिए इसकी कितने साल पुराना है, और इसकी कुछ भी नहीं हुआ इसको, एज इट इज़ है स्ट्रक्चर। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी पहले के टाइम पे, अभी जो कि बहुत ख़राब हो गई है। अब आज दरवाज़ा लगाओ तो 2 महीने में 5 दिन में खराब हो जाता है। ये है किला ए कोहना मस्जिद, तो ये भी किला परमेसिस के अंदर ही है, और बावली जो है उसके साथ से ही सड़क रास्ता जाता है। और इस तरह का स्ट्रक्चर है, देखिए कितना ह्यूज। अंदर बंद है अभी, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं आगे जाके देखते हैं अंदर क्या चीज़ है इसके अंदर। बहुत अच्छी ये मीनाकारी इस पर हुई है इसके अंदर, और अंधेरा है इस तरह का कुछ है, ये आप देख सकते हो। ऐसी है ये है मस्जिद भैया, चश्मा उतारना पड़ रहा है, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह की है अंदर से मस्जिद। तो ये इसका काफ़ी हाइट है, जो गुंबद है, जो छत है इसकी मस्जिद की, वो तो काफ़ी हाइट पे है, और बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है। और दरवाजे जो इस तरह दरवाजे हैं, दरवाजे अभी बंद हैं, ये ऐसे दरवाजे हैं, इनमें कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, जहाँ किसी और भाषा में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे इस तरह के दरवाजे हैं इसके, छोटे छोटे दरवाजे हैं, पता नहीं ये पहले से बंद थे या अभी जो है बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग जो अंदर ना जा सके। तो ये इस तरह की है ये, तो ये मस्जिद है इसके अंदर, पुराना किला के अंदर। और ये देखिए इस तरह का, और ऊपर जाकर कई जगह पे इन्होंने रोशनदान दिए ताकि जो एरिया है ठंडा रहे, तो ये ऐसा करके कुछ है। तो ये मेरे ख्याल में इसका मेन दरवाज़ा है, ये इस तरह का है, कुछ हाइट काफ़ी है और ऊंचा है काफ़ी, और लेकिन ये बंद है तो इसमें अंदर जा नहीं सकते। ये था मस्जिद भी मैंने देख ली है, तो अभी चलते हैं बाहर। तो 5:30 बजे बंद कर देते हैं एंट्री, तो 5:30 बजे ऐसे जो गार्ड हैं वो विसल मार के सभी को बुलाते हैं कि आप बाहर कृपा करके बाहर निकल जाइए। ये सामने जो दिख रहा है आपको प्रगति मैदान है, और इधर राइट हैंड साइड में पार्किंग है प्रगति मैदान की। और ये है मस्जिद, मस्जिद भी देख ली है, आप चलते हैं बाहर की तरफ।
यहाँ पे शाम को आपको बताऊँ कि यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें आप 100 रुपीज़ की टिकट है तो वो 6 बजे से लेके आधे घंटा या 1 घंटे का लाइट एंड साउंड शो होता है। तो यहाँ भी कुछ ये कुआँ सा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मस्जिद में जाने से पहले यहाँ पे हाथ मुँह धो के फिर अंदर जाते होंगे, तो कभी पानी हुआ करता होगा यहाँ पे। और आस पास ये दीवारें हैं किले की, उस रंग की, तो इस कंडीशन में है अभी। बहुत खूबसूरत और अच्छा खुला एरिया है, और दिल्ली में इतने खुले एरिया बहुत कम मिलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो भी लोग हैं, कभी टिकट भी इतनी महंगी नहीं है, तो आके यहाँ पे एंजॉय जरूर कर सकते हो। ये देखिए खुला एरिया, टिकटॉक भी बना रहे हैं लोग, यहाँ पे टिकटॉक स्टार घूम रहे हैं काफ़ी सारे। तो एरिया अच्छा है, ग्रीन प्लस ग्रीन, हमाम, बॉली, मस्जिद है, म्यूज़ियम है, 5 रुपये की म्यूज़ियम की टिकट है, और बड़ा कुछ है। और यहाँ पे महल हैं, कुछ पुराने का रूम्स हैं बने हुए, तो वो रूम्स को देख सकते हो कि कैसे राजे महाराजे कैसे रूम्स में रहते थे। और अच्छा है, तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी दूर उनके रूम है, तो यहाँ हमाम है, तो इतनी दूर पैदल चल के हमाम नहाने आते थे, तो बहुत ही हिम्मत की दाद देनी पड़ी। तो ठीक है, अभी करते होंगे, उनका राज था। ये है लेक एरिया, यहाँ पे बोटिंग नहीं है लेकिन काफ़ी सुंदर है। एक तरफ ये हिल नज़र आ रहा है, किला है, दूसरी तरफ लेक बनाई है, और कुछ ऐसा है नज़ारा। तो अगर ये सिर्फ आपको इस एरिया में आना है तो आपको 20 रुपीज़ की टिकट लेनी होती है, क्योंकि 5:30 बजे ये खाली करा देते हैं अंदर से किला के बाद में। आप बाहर आके आप 20 रुपीज़ की टिकट लेके ये लेक एरिया ये घूम सकते हो। तो ये देखो, ये सारे फाउंटेन लगे हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर से, ये लाइट्स भी जलती हैं इसमें, मल्टी कलर के लाइट्स जल रही हैं। काफ़ी सुंदर एरिया है, काफ़ी लॉन्ग ये पाथ है, तो यहाँ पे टहल सकते हो। तो यहाँ पे साइड में बैठने के लिए जगह भी है, तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। तो ये है लेक एरिया पुराना किला के बाहर। आधा घंटा अगर आपको उसके बाद में जो लाइट एंड साउंड शो है वो शुरू होता है 6 बजे, 5:30 बजे तक पुराना किला घूम सकते हो। उसके बाद में बाहर आ जाइए, आगे 20 रुपीज़ की टिकट लीजिए लेक की, तो ये लेक एरिया, ये लेक घूमिए पूरी। और फिर उसके बाद में आप 6 बजे जो है लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है, उसकी भी बाहर से आपको 100 रुपीज़ की टिकट लेनी होती है। तो अंदर जाके आप लाइट एंड साउंड शो देख सकते हो, जो कि पुराने किले के अंदर होता है। तो अभी मैं यहाँ पे लेक देख रहा हूँ, तो जब 6 बज जाएंगे तो अंदर चलेंगे, आप भी चलिए और अंदर जाके लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। ये देखो, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन्स हैं, और लेक है, देखिए लेक कितनी सुंदर लेक है। और ये पीछे जो है इसके वो किला है, पुराना किला, और बहुत ही अच्छी वॉक है। ये देखो, ये साथ साथ में लेक के वॉक है, और कितना सुकून, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये वॉक करते हुए। एक साइड में आपके लेक, उसमें फाउंटेन लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये देखो ग्रीनरी है, पेड़ लगे हुए हैं बहुत सुंदर, लश ग्रीन एरिया है, ग्रास है, और ये सिटिंग बैठने के लिए भी है, अगर आप चलते चलते थक गए हो तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। इस तरह का पाथ है, अच्छा है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो कितनी लंबी है, वहाँ से शुरू होके बहुत बहुत लंबी लेक है, वहाँ तक जाती है, अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे, चलते हैं। यहाँ पे बैम्बू ट्रीज़ भी हैं, बहुत सारे बैम्बू ट्रीज लगे हुए हैं, और उसमें भी आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हैं। ये देखिए इस तरह के ये बैम्बू ट्रीज हैं, ये सारे ये बैम्बू ट्री लंबे लंबे बहुत लंबे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है लेक और एरिया। ऐसे वॉक जो है बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर, खासकर इंडिया में, तो वॉक बहुत। और ये मैं चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार ये लंदन में था, तो वहाँ पे क्वींस वॉक है, तो वो कुछ ऐसी ही है। उसमें एक तरफ थेम्स रिवर है और दूसरी तरफ इस तरह की वॉक है, बहुत प्लेजेंट वॉक है। लोग वहाँ चलते हैं, कुछ गेम्स वगैरह लोग खेलते हैं, कुछ तमाशा दिखाते हैं, कुछ लोग जो जोकर बने होते हैं या कुछ स्टैचू बने होते हैं
तो उस तरह कुछ लग रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि यहाँ पे बहुत अच्छा सुकून वाला वातावरण है, और यहाँ पे आइए और आनंद लीजिए। देखिए और शाम का टाइम हो गया है, तो दोस्तों होपफुली आपको हमने इंजॉय किया होगा, ये वीडियो इंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए फ्रेंड्स हैं, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, मज़े करो, इंजॉय करो, बाय बाय। तो अब चलते हैं लाइट एंड साउंड शो की तरफ, 6 बजने वाले हैं। किंतु बढ़ती आबादी 13वीं शताब्दी में जमुना के पश्चिमी किनारे आबस्त और आबाद हुआ कैकुबाद का किलोकरी। आज का जंगपुरा एक्सटेंशन उस जमाने का किलोकरी है।